क्या बाबा लगा रखी है, अगर इनकी जान चली जाती तो बुजदिल कहेगा। मुझे बुजदिल कहती हो? कुंदन, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। जाने मन, आखिर ये नफरत मोहब्बत में कब बदलेगी? जिंदगी में कभी नहीं। कुंदन बाबा, लड़की के चक्कर में कहाँ पड़ते हो? आज हम मर्दों के मैदान में तुम्हें कुछ हंगामा दिखा दूंगा। मार खाने को नहीं मिलता क्या? अरे नहीं सर, नहीं सर, लगता है भाई पर रात का असर भी बाकी है। अब तुम क्या निशाना लगाया है? बिल्कुल दिल पर लगा है। ऐसे नहीं। अटेंशन, अटेंशन ऑल द मेंबर्स, शेरी कॉलिंग। आप सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाइए। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा गिरोह आजकल एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हमारे लाखों रुपए के सिक्के पुलिस के हाथ में आना, एयर होस्टेस जूली का गिरफ्तार होना आने वाले तूफान का इशारा है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा शक हो रहा है कि हम ही लोगों में से कोई गद्दारी कर रहा है, और वो वक्त दूर नहीं कि जब मुझे उस गद्दार का पता चल जाएगा, उस वक्त उस गद्दार का वही अंजाम होगा जो चौसठ का हुआ है। जूली, माइकल कहाँ है? इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ बॉस। कहो, क्या कहना चाहते हो? मुझे माइकल पर पूरा पूरा शक है। वो आजकल कुछ गलत आदमियों के साथ देखा जा रहा है। कुंदन बिल्कुल ठीक कहता है बॉस। तुम ठीक कहते हो, मुझे भी माइकल पर शक है। और तुम लोगों में से उसे कोई भी गलत हरकत करते देखे तो ये मेरा हुक्म है कि उसे शूट कर दे। किसी भी गद्दार का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। मुझे आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी एयर होस्टेस जैनी ने पकड़े जाने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं बताया, और पुलिस स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। मुझे फख्र है कि हमारे आदमी लोहे का जिगर रखते हैं, जान दे देते हैं, लेकिन पुलिस पर हमारा रास फाश नहीं करते। आपके लिए दूसरी इत्तला ये है कि हमारा जहाज रोजमेरी मिस सोना को लेकर बॉम्बे हार्बर में मुकर्रर जगह पर पहुंच रहा है। आज शाम को 5 बजे उन्हें बड़ी हिफाजत से अपने मकाम पर पहुंचा दो। ओवर एंड आउट। कुंदन, तुम्हें कहां? हेलो, मैं माइकल बोल रहा हूँ। माइकल, कहो क्या खबर है? आज शाम के 5 बजे सोना आ रहा है। कहाँ? माइकल, 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 हेलो, हेलो। हेलो, अच्छी, मैं पुलिस अफसर बोल रहा हूँ। देखिए, अभी अभी जो फोन आया था वो कहाँ से आया था? बूथ नंबर 14, बॉम्बे वन। थैंक यू मिस्टर खोल। यस सर। आप अभी 2 आदमी को साथ चले जाइए बूथ नंबर 14 पर, देखिए वहां क्या हुआ है। जो कुछ भी हुआ है उसकी सूचना मुझे जल्दी दीजिए। ओके सर। मिस्टर क्रॉस, कहो क्या खबर है? टेलीफोन बूथ पर तो सिर्फ माइकल की लाश पड़ी है और किसी चीज का पता नहीं चलता।
अच्छा देखो तुम कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करके लाश को उठवा दो। ओके सर। हाँ सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस, हाँ मैं एसपी से बात करना चाहता हूँ। शहर में जहां जहां से सोना आने का अंदेशा है उन सारी जगहों पे हम लोगों को निगरानी रखनी चाहिए। मिस्टर रॉक, आप माहिम की खाड़ी पर इंतजार, और मिस्टर खोत आप डांडा चले जाए, और मिस्टर अलवर आप वर्सुआ में, और मैं मठ चला जाता हूं। समझ गए? यस सर। फौरन अस्पताल पहुंचा दो। हेलो 303 कॉलिंग, हेलो 303 कॉलिंग, हेलो 303 कॉलिंग। हेलो दिस इज 09 स्पीकिंग। क्या हुआ? ओवर। बॉस कुंदन तो मारा गया और पुलिस हमारा पीछा कर रही। बॉस तुम इस वक्त कहाँ हो? ओवर। इस वक्त हम लोग एरोडम साइड में से जा रहे हैं बॉस। ओके तुम रेलवे के ब्रिज की तरफ आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओवर एंड ऑल।
यस डॉक्टर। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं उसे बचा नहीं सका। ओह मिस्टर अल्बर्ट। यस सर। प्रेस में रिपोर्ट दे दो कि कुंदन खतरे से बाहर और 24 घंटे के अंदर अंदर वो बयान देने के काबिल हो जाए। ये एक अफसोस की बात है कि कुंदन हमारा एक अच्छा साथी था जो हमसे जुदा हो गया, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो हमसे जुदा होकर पुलिस के हाथों में आ गया। डोंट वरी बॉस, जब कुंदन को पुलिस की गोली लगी और वो गाड़ी से गिर पड़ा, मैंने फौरन उस पर दो गोलियां चला दी और मेरे ख्याल से पुलिस के हाथ में तो उसकी लाश ही लगी। गुड, अगर ऐसा है तो बहुत ठीक है। बॉस, गजब हो गया बॉस, गजब हो गया। कुंदन जिंदा है, ये देखिए अखबार। पुलिस का कहना है कि 24 घंटे के बाद वो होश में आ जाएगा और अपना बयान देगा। जूली। यस बॉस। अब ये काम तुम्हारा है, लेकिन जरा होशियारी। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बॉस, जूली अपना काम करना शुरू कर। गुड, विश यू लक। जॉन। ओके बॉस। हेलो, जिनन हॉस्पिटल। देखिए डॉक्टर सोनी से मिली। ओह डॉक्टर सोनी, जस्ट होल्ड ऑन। योर फोन सर। देखिए आप बता सकती हैं कि कुंदन कौन से वार्ड में है? कौन कुंदन? कुंदन वही जो कल पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गए। आप ऐसा कीजिए, सेकंड फ्लोर रूम नंबर 9। थैंक यू। Thank you.
मिस्टर अल्बर्ट। लड़की के पर्स के जरिए जिस होटल का पता चला था हम वहां गए थे। इमारत नष्ट कर दी गई है। एक जख्मी बेड़े के जरिए पता चला कि वे लोग गोवा चले गए। तो वो लोग गोवा चले गए। हमारे पुराने रिकॉर्डों से पता लगता है कि मिस्टर माइकल ने जो खबर भेजी थी कि इस गैंग का संबंध कुछ चाइनी लोगों के साथ। खैर कुछ भी हो, अब मुझे इस केस को ऊपर बढ़ाना ही होगा। अबे क्या मिल गया? तू मिल गया और क्या मिल गया? अच्छा, और अगर ये मिल जाए तो समझ ले बेड़ा पार है। इसका नाम है जसवंत, जेल से भागा हुआ है, समझा ना? और इसको पकड़ने के लिए 10,000 रुपया इनाम है। तो फिर क्या, अगर तूने गिरफ्तार किया तो 10,000 में से आधा मेरा, और अगर मैंने गिरफ्तार किया तो 10,000 में से आधा तेरा। ले मेरा हाथ, जो से लिया आहिस्ता। अरे पगले, जेल से भागा हुआ आदमी तेरे पास थोड़ी आएगा, आएगा तो दाढ़ी मुछ लगा कर आएगा। जब करेगा नेगेटिव बात करेगा, कभी हौसला बढ़ने की बात ही नहीं करता। उधर देख, दाढ़ी वाला तू है गाड़ी वाला, वो है दाढ़ी वाला, काम संभाल के करना, मैं भी आया दाढ़ी वाला। बहुत बात नहीं। ये दाढ़ी आपकी अपनी? जी मेरी नहीं, तो क्या तेरे बाप की है? वो तो कई चेप थे, मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये असली है या नकली है? अबे असली है। चलो डार्लिंग, कमाल है डार्लिंग का टांग, मैं तो समझता था इसकी लड़की है। ये दाढ़ी आपकी अपनी है? मतलब और मीनिंग दोनों समझाता हूँ, सब पेपर में है, समझे ना? ये देखिए ये आदमी है ना, ये जेल से भागा हुआ है और किसी ने कहा कि नकली दाढ़ी लगा कर आएगा, इसलिए कहता हूँ कि ये आपको नहीं है। टैक्सी वाला ड्राइवर, हमको किसी अच्छा होटल में ले चले। Thank you.
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? एक कमरा चाहिए। मिलेगा कमरा। आपका नाम? फारूक बिन हामद। कितने रोज रहेंगे? 15 दिन। बॉय। यस सर। साहब का सामान कमरा नंबर 9 में ले जाओ। मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, मिलना ही चाहिए, मिलेगा। आ, क्या बोली? डरते रही, जो मिलती नेगेटिव बात करती, कोई हौसला नहीं बढ़ाती, मगर तू मिलेगा राजा, तू मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मुझे यकीन है कि जरूर मिलेगा। ओ बाप रे, मिल गया, पेट में मिल गया, बहुत जोर से मिल गया। लीला मादा कौन है? चलो हटो। अच्छा इधर। उधर। अच्छा इधर। कितनी देर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे मगर इसमें नाराज होने की क्या बात है, आज तो खुशी का दिन है। खुशी का? क्यों, कहीं से दौलत मिल गई है क्या? अरे मिली नहीं। हाँ? मिलने वाली है। अच्छा? ये देख, ये थोबड़ा देख, इसको गिरफ्तार किया नहीं और 10,000 रुपए मिले नहीं। मगर ये आदमी तुम्हें मिलेगा कहाँ? जब करेगी नेगेटिव बात करेगी, हौसला बढ़ाने की बात तो करती नहीं। अरे ढूंढने का क्या है, मैं उसको जमीन के अंदर से ढूंढूंगा। हाँ। आसमान के ऊपर से ढूंढूंगा, इधर से ढूंढूंगा, उधर से ढूंढूंगा, और अगर ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो समंदर के अंदर से ढूंढूंगा। तू मुझे समझती क्या है? नहीं नहीं, अगर तुम उसे ढूंढते रहोगे तो तुम्हारे इंश्योरेंस एजेंसी का क्या होगा? फिर वही नेगेटिव बात, हौसला तो बढ़ाती नहीं। हाँ। अरे वो धंधा तो मंदा पड़ गया है। अच्छा बहुत हो चुका, चलो चले। ठहरो ठहरो, यही ठहरो, इतनी जल्दी जल्दी हवा है, मौसम देखो ना कितना अच्छा अच्छा, यही ठहरो ना। चलते हो या नहीं? फिर भाई नेगेटिव बात, कभी अकल की बात तो करती नहीं। अपनी लॉन्च अब तक क्यों नहीं आई? वो देखो
हो क्या आ रही है? तो कुंदन ही है। तुम एक काम करो, इस पर निगाह रखो, मैं बॉस को बता के आता हूँ। हेलो बेबी। हेलो अंकल। डैडी कहाँ है? डैडी ऊपर है, आप बैठिए, मैं भी बुलाती हूँ। मशकूक आदमी हमारे होटल में आया है, अपने आप को अरब बतलाता है और दाढ़ी मूछ नकली। कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं? वैसे तो मैंने उसका भी बंदोबस्त कर लिया है, अपनी लीली को उसके पीछे लगा दिया है। गुड, वेरी गुड। Thank you.
बाबू नीचे ही बैठा हुआ है। चार पांच आदमी को तैयार करके ऊपर भेज दो और उनसे कहो कि उसके रूम के बाहर बैठे। हेलो जी, बहुत अच्छा। यहाँ आना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, शायद उसे पुलिस ने भेजा हो। मेरा भी यही शक है बॉस। ये कुमांचू को दे दो और उससे कहो कि उसे खत्म कर दे। ओके बॉस। मैनेजर जी, अपने आदमी तैयार है? जी, एवरीथिंग इज प्लान। वेरी गुड, वेरी गुड। कमान चल। क्या है? पहचानते हो इसे? हम चाहे तो 10,000 रुपए का इनाम हासिल कर सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं आपसे कुछ अकेले में कहना चाहता हूं। एक जरा सी भूल ने मुझे जेल खाने की तंग उतारी कोठरी में धकेल दिया। बीवी बच्चों की याद ने इतना सताया कि मुझे जेल खाने से भागना पड़ा। अब मैं घर से बेघर हो गया हूं। न बच्चों को प्यार दे सका और न बीवी की आंखों के आंसू पोंछ सका। अब मैं आपके रहमो करम पर हूं, जिस तरह आप चाहे करें। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन वो सोना जो तुम लाए थे वो क्या हुआ? वो कहिए, बेफिक्र होकर कहिए। अब आपसे क्या छुपाना? बात यह है साहब, मैं जेल में जाने से पहले स्मगलिंग का धंधा किया करता था और इसी ही काम की गरज से मैं यहां आया हूं। मुझे कुछ बाहर के लोग गोल्ड सप्लाई करते हैं। वेरी गुड मिस्टर जसवंत, अपना भी यही धंधा है। तुम चाहो तो हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो। इससे तुम अपने बीवी बच्चों की देखभाल भी कर सकोगे और पुलिस की नजरों से भी बचे रहोगे। मुझे मंजूर है साहब। वेरी गुड, तो आज से आप हमारे साथ हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर। मैं इनाम हासिल करके रखूंगा, मगर इनाम में हमारा भी हिस्सा है, इसका ख्याल रखना। जब करेगा नेगेटिव बात करेगा। अरे तुम दोनों भी तो उसको ढूंढोगे। अरे कल्लू बोल, वो सामने भी तो आए। अबे उल्लू, अगर वो सामने आ गया तो मैं भी ढूंढ सकता हूँ। मैं अरे वाह, आ गया। हाँ, क्या दाढ़ी है, जैसे सुतर फेनी। आ बाबा बाबा, प्रभु एक मिनट है ना। ऐसी फिगर तो देखी नहीं। प्रभु मेरे कष्ट का निवारण चाहता हूँ।
बोल बच्चा बोल। ये आपकी दाढ़ी असली है ना क्या? प्रभु मारना नहीं, शाप न देना, हरिओम तत्सत। ये दाढ़ी वाले के चक्कर में किसी दिन किसी सरदार के चक्कर में आ गया ना तो बेटे की खूब पिटाई हो, मुझे ऐसे ही लगता है। हम अकेला पंजम जाना मंसा। हम एक आदमी के लिए लंच नहीं ले जाता। हम ज्यादा पैसा देगा। 20 रुपया लगेगा, तुम देगा? देगा। चलिए अच्छा मैं जल्दी आता। अरे वो क्या जा रहा है? जल्दी 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 लेकिन जाने वाला किराया देके गया कि नहीं? अरे मेरा किराया भी उसके साथ साथ डूब गया। अबे तू जा जा जल्दी जा। मैं जाऊँ? हाँ जा जा जा। मैंने कहा नहीं और चला ने भेजा खराब है इसका। अबे रहने दे, बोटला 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 भाई, चल जा रही है, चल चल, तेरे से कुछ होता ही नहीं। माटी मिला। अबे रहने दे यार, चल चल भाई चल। मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता था। तेरी कोई खूबसूरत पहेली है? क्यों, किस लिए? अरे लड़कियाँ किसकी होती है मोहब्बत करने के लिए? मेरे होते हुए तुम किसी और लड़की से मोहब्बत करोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? सच्चे देखी जब करेगी नेगेटिव बात करेगी। अरे कभी तो हौसला बढ़ाया कर, मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा था तो? मैं तो अपने दोस्त के लिए कह रहा था, वो मोटा ब्रह्मचारी, बेचारे के लिए कुछ कर दो ना। चलो हटो, बातें ना बनाओ। जब करेगी नेगेटिव बात करेगी। भगवान किस्मत वाले वो है जिनको किसी का प्यार मिला। हाय रे मेरे नेगेटिव पॉजिटिव। Thank you.
किस्मत वाले वो हैं जहाँ में जिनको किसी का प्यार मिला। हम तो रह गए यहाँ अकेले, हमको न कोई यार मिला। मत वाले वो है जहां में वाले बोले नहीं तो हाँ समझो, फिर इस नहीं का मतलब हुआ क्या, इतना तो मेरी जान समझो। हाय कुछ तो समझो मेरी जान। हमने सुना है जब हुस्न वाले बोले नहीं तो हाँ समझो, फिर इस नहीं का मतलब हुआ क्या, इतना तो मेरी जान समझो। मत वाले वो हैं जहाँ में जिनको किसी का प्यार मिला। हम तो रह गए यहाँ अकेले, हमको न कोई यार मिला। तुम मर गया हसीनों के होठों से, हमको तो बस इनकार मिला। हम तो रह गए यहाँ अकेले, हमको न कोई यार मिला। पूछो तो इस दुनिया में दिल वालों को प्यार मिला। रहे अकेले तुम कि तुम्हें दिल ही बिल्कुल बेकार मिला। हेलो मिस्टर धनीराम। ओह हेलो मिस्टर शेरी, क्या खबर है? खबर यह है कि जिसे हम पुलिस का आदमी समझ रहे थे वो दरअसल जेल से भागा हुआ एक बहुत बड़ा स्मगलर है। पुलिस उसकी तलाश में मेरे होटल में भी आई थी, लेकिन मैंने उसे महफूज कर लिया है। अब वो मेरे शिकंजे में है, मैं जिस तरह चाहूं उस तरह नाचेगा। गेट वेरी गुड। मगर कुंदन का क्या? कुंदन के लिए तो हमें अपने दो साथी खोने पड़े हैं मिस्टर धनीराम, लेकिन वो आज भी आजादी के साथ घूम रहा है। डेंजरस मिस्टर शेरी, ये बहुत खतरनाक बात है। खतरनाक जरूर है, लेकिन शेरी की इज्जत से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। वो कैसे? रीटा, रीटा उसे हमारे पास लाएगी। मगर रीटा तो उसे नफरत करती है। नफरत मोहब्बत में बदल दी जाएगी। अगर ऐसी बात है तो वक्त जाया मत करो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कुंदन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अपनी रीटा को याद है? तुम मुझे हर वक्त तंग किया करते थे। तंग किया करता था मैं?
कुंदन, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं तुमसे नफरत करती थी, लेकिन तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वो नफरत नहीं मोहब्बत थी। मैडम, आप जरूर किसी गलत फहमी का शिकार हैं। मेरा नाम कुंदन नहीं, राजा है राजा। कुंदन, तुम बनने कब से लगे? तुम दुनिया की नजरों से छुप सकते हो लेकिन मेरी नजरों से नहीं। बॉम्बे में कुंदन और यहाँ राजा। बॉम्बे तो मैंने आज तक नहीं देखी मैडम, जब से पैदा हुआ हूँ ये गोवा है और ये समुंदर की लहर। तो क्या तुम कुंदन नहीं हो? हूँ तो राजा, लेकिन अगर आपको कुंदन से इतनी मोहब्बत है तो कुंदन मान जाता हूँ। लेकिन आप रहती कहाँ हैं? जी, हम सब मेरोज होटल में ठहरे हुए हैं। मेरोज होटल, तो ठीक है, किसी दिन कुंदन बन के वहाँ आ जाऊंगा। अच्छा, बाय बाय। कुंदन राजा, राजा कुंदन। हमारे प्रधानमंत्री ने कल एक सभा में भाषण देते हुए देशवासियों से अपील की है कि वो देश और जवानों को शक्तिशाली बनाने में सरकार का हाथ बटाए, जवानों के लिए अपना खून दे, धन दे, सोना दे। हमें संकट की घड़ी में देश की कुछ सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल जरूर। हाँ तो इब्राहिम सेठ, आप क्या देते? 25,000। बस 25,000? नहीं नहीं, कम से कम 50,000। अच्छा, 50,000 दिया। हाँ, ये बात है ना। आप सरदार जी, तुसी बादशाह अपनी मात्र भूमि वास्ते की दे सकते हो? शाह जी, आपा ने 50,000 रुपया देता। ऐ गल हुई ना सरदार वाली। वाह वाह। यस मिस्टर मोसेस, व्हाट अबाउट यू? 20,000 रुपीज। सफिशिएंट, सफिशिएंट, वेरी सफिशिएंट। हाँ साईं घनश्याम दास, तमा छा दींदा जेकी तुम्हां दी मर्जी भाव। 51,000। 52,000। वाह साईं, वाह जिंदाबाद। मिस्टर डिसूजा, हाउ मच विल यू गिव फॉर योर मदरलैंड? आओ देता 11,000 रुपया। वेरी गुड, शाबाश। रुस्तम जी, तमे शू आपशो? 1,01,000 रुपयो आपस। 1,01,000? हाँ बात थई ना रुस्तम जी। थ्री चीयर्स फॉर रुस्तम जी, थ्री चीयर्स फॉर रुस्तम जी। और मेरी तरफ से 2,00,000 रुपए। अच्छा सेठ जी, अच्छा बात। राम राम। क्या बात? देखो सेठ जी, स्टीमर बहुत दिन से पानी में खड़ा है। अगर स्टीमर चला जाएगा, आपका गोल्ड भी चला जाएगा, फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब तुमको लास्ट बार नहीं देता। हाँ, अपना गोल्ड निकालो, तुमको लास्ट बार नहीं देता। हाँ हेलो, शेरी स्पीकिंग। मिस्टर शेरी, जहाज से जल्दी माल उतरवाने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओके। मैं जो यहाँ करने आया था वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन गोवा ही क्यों, आप कहीं और भी जा सकते थे। बात यह है, गोवा कुछ अलग सी जगह है, यहाँ पुलिस वालों की निगाह भी नहीं पड़ती। ओ, लेकिन लेकिन अलग सी जगह तो कहीं और भी हैं। जगहें तो वैसे बहुत सारी हैं, पर ढूंढे कौन, और फिर सामने की चीज फौरन नजर आ जाती है। कमाल है, आप बातों को गोल करना खूब जानते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर, दुनिया जो गोल है। आप कुछ भी कहें, लेकिन आप मुझे बना नहीं सकते। और आप बनती भी तो नहीं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आपका सवाल अपनी जगह, मेरा जवाब अपनी जगह।
और फिर आप जानती ही हैं कि हम दोनों का एक ही धंधा है और हम दोनों एक ही किश्ती के मुसाफिर। हेलो मिस्टर जसवंत। हेलो शेरी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या बात है शेरी साहब, कुछ अपसेट से नजर आते हो? भाई अपसेट होने की तो बात है, जहाज कब से पानी में आके खड़ा है, लेकिन माल उतारने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। माल उतारने का रास्ता? बस ये तो मिनटों का काम। वो कैसे? इधर आओ। Wonderful, that's the idea. Very good, Mr. Jaswant. Very right. Hello, police station. Inspector John speaking. आज शाम को पंजीत बोर्ड पे सोना उतर रहा है। तुम कौन हो? Hello. मिस्टर जसवंत, ये जगह आपको पसंद आई? लाजवाब है, यहाँ पुलिस तो क्या, पुलिस के फरिश्ते भी नहीं आ सकते। गुड, अब इस माल की हिफाजत आपके जिम्मे है। यस सर। गुड लक टू यू। थैंक यू। आंखें दी हैं तो फिर ये नकली आंखें लगाकर देखने से क्या फायदा? कुंदन यहाँ है, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप कुंदन नहीं, राजा हैं। ये अजीब इत्तेफाक है और एक उलझन। तो आप अभी तक उसी उलझन में उलझी हुई? एक उलझन से निकलकर दूसरे उलझन में फंस गई। वो कैसे? देखिए, कुंदन को बहकाने आई थी और राजा के बहकावे में आ गई। ये बहकना भी अजीब है। वो कैसे? सुना है कि जवानी में जवान दिल का बहकना अच्छा नहीं होता। क्यों? मोहब्बत की निशानी है। चलो हटो। भी सुनो तो,
सलामे मोहब्बत तो लेते जाइए। कुंदन को अपने साथ नहीं लाए? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, वो कुंदन नहीं राजा है। कुंदन हो या राजा, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है वो बेगुनाह आपके हाथों से मारा जाए। ओहो, इतनी हमदर्दी पैदा हो गई कुंदन के लिए? कुंदन के लिए नहीं, राजा के लिए। अच्छा, तो ये राजा रानी का खेल खेला जा रहा है। सुनो रीटा, आपसे खेलने वाले अपनी उंगलियां जला बैठते हैं। अब वो तुम्हारे लिए कुंदन से राजा हो गया है, हुँ? तो हम अपनी रानी के लिए राजा को यहीं ले आएंगे। हाँ, मैं तो सचमुच डर गया। क्यों? ये कोई धंधा ही ऐसा है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। काला धंधा करने वाले को हर वक्त किसी न किसी चीज का डर रहता ही है। डर? डर किसका? यही पुलिस का और किसका?
की सलाह से तोड़कर भागने वाले का दिल तो बहुत बड़ा होना चाहिए। तुमसे ये सब किसने कहा? मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। बाय बाय। क्या आपका बच्चा सचमुच दिल से आपके पास है? कहीं बच्चे में ऐसी आदतें तो नहीं जिनसे आंखों को खतरा बढ़ जाता है? मैं फिर आपसे बतलाऊंगा। दर्शक लिली। यस बॉस। वो जसवंत अपने रूम में है? जी नहीं। नहीं बॉस, एक बात पूछो। पूछो। एक अरब अपने होटल में आ गया, अरब से जसवंत बन गया और जसवंत से आपका साथी। शेरी साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये साथी आपका सही साथी है? लिली, शेरी उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता है लेकिन धोखा भी तो खा सकता है। मेरी निगाहें नहीं खा सकती। सुनो लिली, मुझे जितना तुम पे एतमाद है उतना ही जसवंत पे भी है, समझी? लॉन्च में फिट कर दो ताकि वो लॉन्च मैच भी समंदर में खत्म हो जाए। ये दाढ़ी वाले को तो मैं पकड़ के रहूंगा, इस माटी मिले को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये दाढ़ी वाला राजा, तेरे को भूख नहीं लगती मगर अपने को बहुत भूख लगी है और तेरे को काम के सिवा कुछ सोचते ही नहीं।
और तेरे को दाढ़ी वाले के सिवा कुछ नहीं सुना। हाँ भाई ठीक है, ये दाढ़ी वाले को तो मैं पकड़ के रहूंगा, इस माटी मिले को कभी नहीं छोड़ूंगा। आदमी पुलिस के डर से उस लॉन्च को ले भागे और बीच दरिया में बम ने अपना काम दिखाया। बहुत बुरा, तुम जा सकते हो। ओके बॉस। ये दूसरी बार गड़बड़ हुई है, पहली बार चीनी ने हमला किया था और अब के लॉन्च उड़ा दी। मुझे तो दुश्मन बड़ा खतरनाक मालूम होता है, लहजा मेरी मान और पुलिस में रिपोर्ट करवा दे। हाँ नहीं, मैं खुद बेस बदलकर इन लोगों का पता लगाऊंगा। जब करेगा नेगेटिव बात करेगा। ये माटी मेरा दाढ़ी वाला मिल जाए तो मैं इन दोनों जाड़ियों की शादी करवा दूं, सुखी हो जाएंगे। उई, तुम किधर जाते हैं? ओ लाला जी, उई हम पठान होते हैं, खान बोलो खान। खान साहब तुम किधर से घुस आया? क्या ये होटल लाए? होटल है, बड़े लोगों का होटल है ये। हम तुमको छोटा दिखते? नहीं खान साहब, ये शरीफ लोगों का होटल है। उई, तुम पे अल्लाह की मार, क्या हम तुमको बदमाश दिखते हैं? नहीं खान साहब, ये बात नहीं है, आपके पैर कुर्सी पर हैं। उई, इससे क्या होता, पैर हमारा अपना है, जिधर हमारा मर्जी उधर ही रखेगा। बोला कुर्सी पर नहीं रखेगा तो क्या तुम्हारा सर पर रखेगा? नहीं खान साहब, आप अपना पैर नीचे रख लीजिए। हाँ बोली, क्या चाहिए आपको? जाओ एक प्याला चाय लाओ। और क्या लिखा हूँ? तुम जाती कि नहीं? जाते खा सर, जाते। Oh,
मरहबा मरहबा मरहबा, कोई हसीना तुम खूब गाता खूब नाचता, अल्लाह कसम अगर तुम हमारे खताना तो हम तुमको अपने सर पे बैठाता। शुक्रिया खान साहब। ए खान साहब, ये क्या बदतमीजी है? हुई? हम हसीना की तारीफ करते हैं। सुन लिया सुन लिया। आपका फोन। इस पठान को बाहर निकालो। फोन जी। चलिए बाहर जाइए। तुम अपने ग्राहकों के साथ ऐसा सलूक करते है? खान साहब, ग्राहक ऐसा नहीं किया करते जैसा आप करते हैं। चलिए तशरीफ ले जाइए। नहीं जाता। चलिए नहीं जाता। चलिए जरूर मिलेगा। जाएगा कहा? एक न एक दिन जरूर गिरफ्तार करूंगा। 10,000 का इनाम जरूर हासिल करूंगा। अरे बाप रे, इनाम ऊपर से कहां से आया? अरे बाप रे, क्या हो रही है? ये बर्फों की बारिश कैसे हो रही है? बारिश नहीं हो रही, मियां भी अगर झेड़ा हो रहा, रोज ही होता है। रोज होता है? तो मारने वाली कमाल की है। मुझे मरने से क्यों रोका? तो आप मर रहे थे ना। सुन लीजिए, मैंने आपको मरने से इसलिए रोका है कि आज के दिन जो मरेगा ना वो ठंडा नर्क में जाएगा। तुम नर्क में जाना चाहते? नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम था नहीं। इसलिए आज से 10 दिन के बाद मरो। हाँ, मंगल के दिन शुभ मुहूर्त पे, उस दिन मरोगे तो सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। अरे 10 दिन के बाद तक यहाँ नरक में कैसे भेजूंगा? कैसे मेरे को पाव रोटी का इंतजाम नहीं है? नहीं चाहिए। आओ पाव कीमा खिलाऊंगा। राम 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 राम, तुम भी नहीं खाते, मैं भी नहीं करता। पहले आप चलिए। ये देखिए, ये अपना बेडरूम है। वो पलंग है ना? आइए, एक और काम की चीज दिखाइए। ये देखिए, ये अपना किचन है। जेवड़ा जी उत्तम सोए है। और उधर अपना बाथरूम है। बाथरूम के पीछे खिड़की है, खिड़की के पीछे गली, गली के पीछे चमड़ी है। चमड़ी के बाद बस मकान बड़ा अच्छा है। और ये फर्नीचर भी है। ये अपना नहीं है, अपना ही है, अपना ही है। पर मेरा मतलब है ये सब भगवान का है। कड़ीमल जी, आप मेरे पलंग पर आराम कीजिए, काम की बात फिर करेंगे। आप कहाँ आराम करोगे? मेरे लिए तो आराम हराम है। मिस्टर? यस सिस्टर। जब करूंगा नेगेटिव बात करूंगा। बिलेवर है और कहता हूँ सिस्टर, इजाजत है मुझ पर, आप आराम कीजिए। चाहिए चाहिए। कौन है? अपना दोस्त है, अपना दोस्त। बैठ बैठ बैठ, बहुत अच्छे कपड़े हैं, खराब हो जाएंगे। बैठ तो बैठ। आखिर है कौन? अरे भाई, डिमांड ड्राफ्ट है, पूरे 10 दिन की तारीख का। क्या मतलब? कमल, एक तो बात भी बताओ, ऊपर से मतलब भी समझा रहे, मतलब साफ है। वो 10 दिन के बाद मरने वाला है, मैं उसका 1,00,000 का इंश्योरेंस करवाऊंगा। वो उधर मरा नहीं और इधर हम मालदार हुए नहीं, फिर पम पम गाड़ी लेंगे। पम पम। मगर उसका प्रीमियम कहाँ से भरोगे? अरे प्रीमियम का क्या प्रीमियम? यम यम डायल यम फोर मनी। वाह वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल, जिंदगी में पहली मर्तबा तूने पॉजिटिव बात की है। ये पैसे की बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं थी। लीला,
और तुम कितनी खूबसूरत लग रही है, है? ये कुर्ता कहाँ सिलाया है? बहुत अच्छा है, ये तेरे बाल, ये तेरा झुमका, ये बता पर्स में पैसे कितने हैं? यही कोई 5 रुपए होंगे। प्रीमियम के लिए 5,000 रुपए चाहिए, 5। कहाँ से आएंगे? आएंगे, 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 आएंगे। तेरा बाप किस दिन काम आएगा? उसके पास लाखों रुपए पड़े हैं। ना बाबा ना। क्यों? मैं तुम्हारे लिए चोरी नहीं करूंगी। तो फिर मुझे कर देना पड़ेगा। अगर तुम्हें धोखा हो गया तो फिर काबुल जाना पड़ेगा। आइए। देखिए, अपना धंधा ऐसा है कि हमें हर तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता है, और फिर आजकल तो पुलिस भी हमारे पीछे लग गई है, और वो भी बहुत बुरी तरह। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जरा होशियारी से। आप बेफिक्र रहिए, ये हमारा पुराना धंधा है। खैर आप अपना माल ले लीजिए। एक हमें लीजिए, ये लीजिए आप। सॉरी, माल बिल्कुल खराब। अच्छा सेठ जी, जय राम जी की। जय राम। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते। ये लो रुपए। इन रुपयों का मैं क्या करूं? मजे करो, ऐश उड़ाओ। हमारे सेठ ने आपकी कारगुजारियों से खुश होकर ये इनाम आपको दिया है। साहब मजा तो जब था कि वो खुद मुझे अपने हाथ से ये इनाम दे। मिस्टर जसवंत, वो दिन करीब है जब हम आपको उनसे मिलवाएंगे, और हाँ, उनके कुछ बिजनेसमैन मेहमान दोस्त आने वाले हैं, लिहाजा उनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त भी हमें ही करना होगा। बहुत खूब, एट योर सर्विस सर। श्योर श्योर, गो अहेड। मिस्टर चिंगवांग, आपने जो दाम लगाए हैं वो हमें मंजूर है। I mean to say, ये bargain सौदा पक्का, okay. Oh, very yes. good, very good. अब हमें जाएगा। इतनी जल्दी भी क्या है? हमने आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम का इंतजाम किया है। I mean, डांस प्रोग्राम। Very good, very good. Thank you.
चलो। खाओ 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 केला खाओ केला खाओ केला खाओ लीची खाओ लीची जरदालू जरदालू आएंगे मिठाई खाओ मिठाई खाओ मिठाई खाओ अरे खाओ भाई खाओ अरे जब मरना ही है तो पेट भर के खाओ दिल में कोई बात मत रखो है खाओ खाओ लेकिन जरा ठहरना ये जरा तुम्हारे स्वर जाने की सर्टिफिकेट पर साइन कर दो ऐसा उधर भी मिलेगा अरे वहाँ तो बहुत बड़े बड़े केले मिलेंगे बहुत बड़ी बड़ी मिठाई मिलेगी और जानते हो पानी की जगह क्या मिलेगा क्या मिलेगा दूध दूध की जगह क्या मिलेगा सोच लो सोचो ओ खूबसूरत हसीना तुम माया हम बहुत खुश अल्लाह कसम तुम हमको बहुत अच्छा लगती अच्छा तो वो पठान तुम थे पठान क्यों मेरी एक्टिंग कैसी रही देखो राजा तुम चाहो तो मेरी जान ले लो लेकिन उस होटल में मत आया करो तुम दो दिन से यहाँ नहीं आई इसीलिए चला आया राजा अगर दोबारा तुम उस होटल में आओगी तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे मगर क्यों मैं तुम्हें कैसे समझाऊं उनका एक आदमी था जिसका नाम कुंदन था उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती थी इसलिए वो तुम्हें कुंदन समझकर मार डालना चाहते हैं वो बहुत बुरे लोग हैं उनकी बहुत बड़ी गैंग है तो फिर तुम उनका साथ क्यों नहीं छोड़ देती इस तरह हम दोनों की जिंदगी खतरे में हो जाएगी राजा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ तुम उस होटल में कभी मत आना कभी मत आना कभी नहीं जानती हो कि हम गद्दारी करने वाले को क्या सजा दिया करते हैं गद्दारी लेकिन मैंने कौन सी गद्दारी की पठान कौन था मैं नहीं जानती तुम नहीं जानती मैं खूब जानता हूँ वो बहरूपिया तुम्हारा कुंदन था और ये भी कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद तुम होटल से बाहर नहीं जाओगी क्या बदतमीजी है खान साहब वो सब तुम्हारा हसीना किधर है हम उसको देखने को आया हसीना को देखने के लिए आया हसीना को देखने से पहले अपनी मूछ और दाढ़ी तो संभालो से मालूम करो कि उसने पुलिस को क्या बताया है और गोवा में हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है इसके लिए चाहे तुम्हें सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े ओके बॉस बी केयरफुल ओके और सुनो रीटा को पहले भेज दो यस सर जी आइए रानी को राजा से मिला दें आपका राजा आ चुका है चलिए जी चलिए Thank you.
कुंदन के लिए कभी दिल में नफरत थी, आज उसके लिए आंसू बहा रही हो, रो रही हो। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं सच कह रही हूँ, वो एक बेगुनाह है। आप उसकी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? वो कुंदन नहीं, राजा है। राजा वो कुंदन हो या राजा, लेकिन मेरा दुश्मन है। मैं उसे खत्म करके ही दम दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। आखिर आप लोग भी आ गए लाला जी के आखिरी दर्शन करने के लिए? क्या बच्चे हो? पक्का कुछ नहीं हूँ। मैंने भी लाला जी के लिए असली घी की मिठाई लाया हूँ, ताकि मरने से पहले लाला जी मुंह बिठा करके मरे। अब मैं नहीं मरूंगा। क्या बोला? क्यों, तो मेरी बीवी ने मुझसे माफी मांग ली। अबे पर मेरे ड्राफ्ट का क्या होगा? मैंने मरने का विचार ही छोड़ दिया। जब करेगा नेगेटिव बात करेगा, अबे तुझे मरना ही होगा। अगर आप चले गए तो मेरी मौत हो जाएगी। बरखोरदार बोलो, जो दूसरों की मौत के लिए सोचते हैं वो खुद मर जाते हैं। लाला जी, लाला जी, तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला लाला जी। ये क्या किया लाला जी? लाला जी, लाला लाला जी, आप आ गए। धन्य हो भगवान, धन्य हो। काबुल? नहीं नहीं। तो कुंदन आखिर कहता क्या है? वो राजा के सिवाय अपने आप को कुछ नहीं कहता बस। मिस्टर जसवंत। यस सर। अब उसकी जबान खुलवाने के लिए आपको जाना होगा, और अगर वो कुछ बताने से इनकार करे तो आपको इख्तियार है उसे खत्म कर दो। ऑलराइट सर। सुनिए। क्या है? मैं आपसे राजा की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। आपका ये मतलब है मैं अपने बॉस से गद्दारी करूँ? नहीं, मैं गद्दारी के लिए नहीं कह रही, बल्कि एक बेगुनाह की जिंदगी बचाने के लिए कह रही हूँ। आप राजा से मोहब्बत करती हैं? जी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सुनिए, अगर आप कहें तो आपकी मदद के लिए किसी और को भेज दूँ। ये और भी अच्छा होगा। शुक्रिया। क्या बात है? राजा की जान खतरे में है, उसे बचा लो, उसे किसी भी तरह बचा लो। राजा की जान खतरे में है? हाँ। मगर वो है कहाँ? कोई वास्ता नहीं। मारो, हमारी पार्टी का मेंबर होकर तुमने हमसे गद्दारी की। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, और ना ही मैं तुम लोगों को जानता हूं। ओ, तो तुम हमें जानते भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक, दो। Yeah.
अभी तक अपने आप को राजा कहता है। मैं उससे सख्ती से कुछ पूछने ही वाला था, न मालूम उसका एक साथी कहां से आया और वो उसे हमसे छुड़ा कर ले गया। मैं और मेरे साथी उसका मुंह देखते के देखते रह गए। ताज्जुब की बात है, हमारे साथी और आपका पिस्तौल भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। हमने अपनी सी पूरी कोशिश की और इस छीना झपटी में मेरे हाथ से पिस्तौल भी गिर पड़ा। लेकिन वो आया किस तरफ से? वो अपने खुफिया रास्ते से आया। खुफिया रास्ते से? रास्ता उसे कैसे मालूम हुआ? आजकल जासूसी नावल बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने में काफी दिलचस्प है ना, इसीलिए। तो इससे राजा को छुड़ाने में तो काफी मदद मिली होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ रीटा। उसका साथी उसे छुड़ाने के लिए तहखाने में कैसे पहुंचा? उसे खुफिया रास्ते का राज कैसे मालूम हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। तुम सबको जानते हुए भी अनजान बन रही हो। याद रखो, मेरी बात का जवाब आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। मुझे डर है कि कहीं वो लोग रीटा पर शक नहीं करें। लेकिन रीटा पे शक कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उसी ने तो तुम्हें वहां जाने का रास्ता बताया। मेरे समझ में एक बात आती है। क्या? क्यों ना हम पुलिस को खबर कर दें? अब तुम लोगों को वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा। चुपचाप हमारे साथ चलो। चलो। खबरदार, मैं जानता था तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। बाहर आओ चुपचाप, वरना गोली मार दूंगा। हैंड्स अप। तुम इससे प्यार करती हो ना? आज तुम्हें इसके सामने नाचना होगा। इसकी मौत का नाच। मैं नहीं नाचूंगी। तुम्हें नाचना होगा।
मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मुझे सलसला नाज नाजनी मालूम हुआ कि तुम ही वो गद्दार हो जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान उठाने पड़े। लाओ लाओ ये कैमरा और ये टेप मेरे हवाले कर दो। लाओ मिस्टर शेरी, माफ करिएगा, आप गलत फहमी का शिकार हो रहे। मैं तो खुद इस चीज की तलाश में हूँ कि हमारे ग्रुप में कौन है जो गद्दारी कर रहा है। आप इस कैमरे में देखिए, इसमें आवाज सुनिए, आपको मालूम हो जाएगा असली मुजरिम कौन है। Thank you.
Keep it down. Keep it. This way. No hushyari, no chalaki. This way. Hands up. Ah. मुझसे गद्दारी करने वाले का यही अंजाम होता है मिस्टर जसवंत। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर यही जान दे दो। अपना धंधा ऐसा है कि हमें हर तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता है और फिर आजकल तो पुलिस भी हमारे पीछे लगी हुई है और वो भी बहुत बुरी तरह। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जरा होशियारी से। आप बेफिक्र रहिए, ये हमारा पुराना धंधा है। खैर आप अपना माल ले लीजिए। दो नग। ये तो सिर्फ धनीराम है। एक माल बिल्कुल खराब। अच्छा सर जी, जय राम जी की। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जीरो जीरो सेवन शेरी कॉलिंग ओवर। यस 907 अटेंडिंग ओवर। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। जिस जसवंत को हम अपना दोस्त समझे हुए थे वो बदमाश निकला। उसने तहखाने में मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर फिट किया हुआ था। ओवर। ये तो बहुत बुरी खबर है, कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं? ओवर। हो सकता है कि वो पुलिस का आदमी हो या फिर कोई ब्लैकमेलर, लेकिन मैंने उसे अपने तहखाने में कैद कर लिया है। ओवर। वेरी गुड, ये तुमने ठीक किया। अपने सारे आदमी को ऊपर पहुंचा दो और सारा माल लेकर पोस्ट नंबर 8 पर मुझे मिलो। ओवर। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं सब आदमियों को ऊपर पहुंचाकर स्टेशन नंबर 8 पर पहुंच रहा हूं। सब माल मेरे पास होगा। ओवर एंड ऑल। बाप क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलने के लिए। और ये डंडा किसने लाए हैं? ये डंडा? हाँ ये डंडा प्रोफेसर सामरी का है।
फिर से तुम पे जादू करके अपना बनाने के लिए। और अगर डैडी ने देख लिया तो? जब करेगी, जब करेगी नेगेटिव बात करेगी। डैडी की फिक्र है और 36 फीट की दीवार कूद के आओ, मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें। अरे डैडी, डैडी डैडी बाप रे मर गए। एकदम उदास क्यों हो गए? डैडी कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हर जवान लड़की का बाप परेशानी नजर आता है। मेरा मतलब ये नहीं है। मतलब क्या था? मैंने इतनी बार आवाज दी, डैडी ने सुना ही नहीं। फिर तुम मेरे साथ आओ ना। मारेंगे तो नहीं? चलो चलिए चलिए। दिलीप, रीता को गैस चैम्बर में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। ओके बॉस, मैं बॉस से मिलने जा रहा हूँ, ठीक 6 बजे यहाँ आ जाऊंगा। डोंट वरी बॉस, आपके वापस आने पर आपको रीता की लाश मिलेगी। गुड। और सुनो, जसवंत जिसे हम अपना दोस्त समझते थे वो गद्दार निकला, मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया। ये खबर सबको कर दो। क्या बोल रहे हैं बॉस? जसवंत और गद्दार। अबे चुपनुस, इतने सारे जोकर होते हुए रमी डिक्लेयर नहीं करता। कैदियों की क्या हालत? देख लीजिए। कभी कभी दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तुम रीटा को यहां से छुड़ाकर जल्दी से भाग जाओ, यहां बहुत बड़ा खतरा है। पकड़ लो इन्हें, भागने ना पाए। मैं शोला हूँ। मैं बिजली हूँ। बताओ ये दरवाजा कहाँ से खुलता है? Thank you.
किसी ने भागने की कोशिश की, चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाला, गिरफ्तार करो इन सबको। बॉस, कौन हो तुम? मुझे शेरी साहब ने आपके पास भेजा है और ये कहा है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। व्हाट? अरे बाप रे, ये तो जेल से भागा हुआ आदमी है जिसके 10,000 रुपए का इनाम है। बड़ा खतरनाक आदमी है। मगर तुम हो कौन? मैं जसवंत। लेकिन लेकिन तुम तो तहखाने में बंद थे। मैं तहखाने में भी हूँ और अब आपके सामने। क्या मतलब? चलिए पुलिस स्टेशन पर बताइए। चलिए पिस्तौल क्यों दिखा रहा है? वो किसी फिल्म का सीन कर रहे होंगे। नहीं नहीं, तुम बचाओ जाके। क्या मुझे बचाना पड़ेगा? हाँ। जाओ जाओ। तुम जल्दी से जाओ, शेरी को बुला के लाओ। शेरी शेरी पकड़ी, शेरी शेरी पकड़ी, शेरी। अच्छा शेरी, शेरी। कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुजरिम है। सरकार ने इसके लिए 10,000 इनाम रखा है। मगर तुम यहाँ कैसे? आप जब बंगले से निकल रहे थे तो बहुत परेशान थे, हम भी आपके पीछे आ गए। ओह, मगर बेटी, जिसको तुम मुजरिम समझ रही है, ये मुजरिम नहीं, ये पुलिस का आदमी है। पुलिस का आदमी? तो फिर आप? मैं कुछ नहीं। तुम हटो मेरे सामने से। हरगिज नहीं, ये पुलिस का आदमी है। आप जानते हुए भी इसे मारना चाहते हैं? क्या आप कोई बुरा धंधा करते हैं? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? मेरा बाप गुनहगार है, मैं ये सोच भी नहीं सकती। मैंने जो कुछ भी किया होगा तुम्हारे सुख के लिए किया होगा। गोली मारिए सुख को। ऐसा सुख भी क्या जो आंखों की नींद और दिल का करार छीन ले, समाज और कानून का दुश्मन बना दे। होश में आओ। मैं इसे नहीं मरने दूंगी। नहीं मरने दोगी तो फिर तुम दोनों को मरना होगा। दादी, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए।
इंस्पेक्टर यही है असली मुजरिम। और आप भी तो नकली नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। हियर इज माई आइडेंटिटी यंग लेडी। गुड वर्क। टेक हिम अवे। इंस्पेक्टर साहब इसे गिरफ्तार कर लीजिए। यही है वो जेल से भागा हुआ कैदी जिसके लिए सरकार ने 10,000 रुपया इनाम रखा है। मुझे कैश चाहिए। हंसते क्या हो? ये तो पुलिस ऑफिसर है। हाँ तो होगा वो पुलिस ऑफिसर। प्लीज टू मीट यू सर, आई एम इशू स्टेशन। आज मैंने कहा सलामे मोहब्बत तो लीजिए, आज मैंने कहा सलामे मोहब्बत तो लीजिए, ये और बात है के मोहब्बत ना कीजिए, ये और बात है के मोहब्बत ना कीजिए, आज मैंने कहा सलामे मोहब्बत तो